फ्रेंड्स, कान्हा किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम वेज मंचूरियन बनाते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितना सिल्की, कितना बढ़िया बनकर तैयार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल में कैबेज ले लिया है, इसको बारीक हमने काट लिया था, और इसी के साथ में शिमला मिर्च ले लिया है। आधा शिमला मिर्च है ये और आधा ही कैबेज है, और इसमें ऑनियन डाल देते हैं एक बड़ा। अब इसी के साथ में हम 4 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं, और 4 ही चम्मच इसमें हम मैदा भी डालेंगे, और ये इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च डाल देते हैं, और ये इसमें हम रेड चिली मिर्च डाल देते हैं, और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो नमक आप थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि सॉस वगैरह में भी पड़ेगा नमक। अब इसको मिला देते हैं अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा पहले हाथों से इसको दबा के देखेंगे जो इसमें मॉइस्चर होता है वो आ जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका डोट की तरीके फॉर्म में करेंगे। तो इसमें अभी हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल देते हैं, और मैदा भी 1-1 चम्मच इसमें और पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से डो की तरीके के फॉर्म में हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी गोले बना लेते हैं इस तरीके से, बॉल्स की तरह छोटे छोटे। अब गैस पर हमने कढ़ाई में तेल रख दिया गरम करने के लिए, और इसमें डाल देते हैं सारे बॉल्स को, और अच्छे से पकौड़े की तरीके से इसको तल लेंगे। बहुत ही टेस्टी डिश है ये, काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसको अलट पलट देते हैं और इसको गोल्डन होने देते हैं। अभी इसको और थोड़ा सा अलटेंगे पलटेंगे। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं पकोड़े की तरह। अब दूसरा बैच भी इसको फ्राई कर लेते हैं इसमें। और इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में ऑयल को हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल रहने देते हैं, और 3 चम्मच के करीब बारीक इसमें हम लहसुन डाल देते हैं, और आधा प्याज इसमें डाल देते हैं, और इसी के साथ में थोड़ी सी हमने शिमला मिर्च और कैबेज बचा लिया था उसको भी डाल देते हैं, और इसको भी चला देते हैं बस 1 मिनट के करीब। अब ये हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसका घोल बनाएंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो इसका घोल तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं, और 1 ही चम्मच इसमें हम रेड चिली सॉस डाल देते हैं, और 1 चम्मच इसमें हम विनेगर डाल देते हैं, और 1 भर के इसमें हम शिमला कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, इससे काफ़ी रंगत अच्छी आएगी। और 1 चम्मच इसमें हम सॉस डाल देते हैं टोमेटो सॉस, और जो हमने घोल तैयार किया था उसको भी इसी में डाल देते हैं चला के। अब इसमें हम 2 कप के करीब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, और इसको मिला देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक इसमें और डालेंगे। तो नमक हमने हिसाब से इसीलिए डाला था, कैबेज में भी डाल दिया था, अब ग्रेवी में भी डाल रहे हैं और सॉसेस में भी रहते हैं, तो थोड़ा सा हिसाब से ही नमक डालिएगा। अब इसको उबाल आने देते हैं, और ये देखिए हमने जो मंचूरियन बनाए थे बॉल्स उसको इसमें डाल देते हैं, और 2 मिनट तक इसमें इसी ग्रेवी में पकाएंगे।
और इसको ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब ये पक गया है, गैस को करते हैं बंद। चलिए सर्विंग प्लेट में निकालते हैं इसको। तो ये देखिए कितना सिल्की इसकी ग्रेवी बनी है, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप इसे फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं या नूडल के साथ खा लीजिए। इस पर थोड़ा सा हरा प्याज से इसको गार्निश करते हैं। ये बनकर तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया।